सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास गिवन है ए साइन टू टी मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस कॉस टू टी आपके पास है एंड वाई इज इक्वल्स टू आपके पास गिवन है बी कॉस टू टी मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस में कॉस टू टी आपके पास है, देन वी हैव टू शो दैट डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आपको मिल रही है एट द पॉइंट टी इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर वो आपके पास आ रही है बी बाई ए. ओके, सो उसके लिए पहले आपको डी वाई ओवर डी एक्स निकालना पड़ेगा और डी वाई ओवर डी एक्स को निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा डी एक्स ओवर डी टी एंड डी वाई ओवर डी टी को भी. ओके, सो आपके पास देखिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे. आप बोल सकते हैं कि वी हैव आपके पास मेनली यहाँ पे दो फंक्शंस हैं. एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास एक फंक्शन है ए साइन टू टी एंड देन वन प्लस में कॉस टू टी एंड अगेन आपके पास एक और फंक्शन है वाई इज इक्वल्स टू बी कॉस टू टी एंड देन मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस में कॉस टू टी. ओके, नाउ देखिए आपको यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में. सो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ द पैरामीट्रिक फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू जो आपके पास पैरामीटर है. पैरामीटर हमारे पास है यहाँ पे टी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे टी. ओके, सो देखिए आपके पास क्या ऑप्टेन होके आएगा. ये हो जाएगा आपके पास डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल्स टू आपको करना है यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ दिस कम्प्लीट फंक्शन यानी कि ए साइन टू टी एंड देन मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस में कॉस टू टी को डिफ्रेंशिएट करना है आप लोगों को. एंड सिमिलरली यहाँ पे आपके पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू वॉट डी बाई डी टी आपको करना है दिस कम्प्लीट फंक्शन का यानी कि बी टाइम्स ऑफ कॉस टू टी एंड देन वन माइनस में कॉस टू टी. ओके, सो ए कॉन्स्टेंट है डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकल जाएगा. यहाँ पे सिमिलरली बी कॉन्स्टेंट है डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकल जाएगा. ध्यान से देखिएगा ये आपके पास एक सेपरेट फंक्शन है, ये आपके पास एक सेपरेट फंक्शन है यानी कि यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल को. सिमिलरली ये अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन है, ये अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन है. सो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल को. ओके, सो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास देखिए क्या आने वाला है. ये हो जाएगा आपके पास डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल्स टू वॉट ए आपका निकल चुका था बाहर. नाउ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो आपको करना है डी बाई डी टी ऑफ साइन टू टी इन टू में सेकेंड एज इट इज़ यानी कि वन प्लस में कॉस टू टी आपके पास आ जाएगा एज इट इज़ प्लस साइन टू टी आपके पास आएगा एज इट इज़ एंड देन डी बाई डी टी आपको करना है किसका सेकेंड फंक्शन का यानी कि वन प्लस में कॉस टू टी का. ओके, एंड सिमिलरली जो आप लोग डी वाई बाई डी टी निकालेंगे उसका आंसर क्या आएगा आपके पास. तो डी वाई ओवर डी टी जो आपके पास आने वाला है वो आने वाला है बी आपका निकल चुका था बाहर. फर्स्ट का आपको डिफरेंशिएशन करना है यानी कि डी बाई डी टी आपको करना है कॉस टू टी का एंड इनटू में वन माइनस में कॉस टू टी आपके पास रहेगा एज इट इज़ प्लस फर्स्ट फंक्शन आपके पास रहेगा एज इट इज़ इनटू में डी बाई डी टी आपको करना है सेकेंड फंक्शन का यानी कि वन माइनस में कॉस टू टी का. ओके, सो ये आपके पास यही कितना आने वाला है. तो डी एक्स ओवर डी टी जो आपके पास ऑप्टेन होके आएगा यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेप है आपका. ओके, डी एक्स ओवर डी टी जो आपके पास ऑप्टेन होके आएगा उसको आप कह सकते हैं ए टाइम्स ऑफ साइन टू टी का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा कॉस टू टी इन टू में टू. ओके, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई इसको आप बोल सकते हैं वन प्लस में कॉस टू टी. सिमिलरली यहाँ हो जाएगा आपके पास प्लस में साइन टू टी एज इट इज़ डी बाई डी टी ऑफ वन आपके पास हो जाएगा जीरो एंड डी बाई डी टी ऑफ कॉस टू टी आपके पास हो जाएगा माइनस का साइन टू टी इन टू में अगेन वॉट टू. ओके, एंड जो आपके पास डी वाई ओवर डी टी आएगा डी वाई ओवर डी टी जो आपके पास आएगा आप यहाँ पे एंड एंड लिखते रहिएगा बिकॉज लगे आपके एक ही लाइन में सब कुछ है. सो इसके बाद ये लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी टी जो आपके पास आएगा वो आएगा बी टाइम्स ऑफ कॉस टू टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन टू टी इन टू टू. ओके, एंड देन वन माइनस में कॉस टू टी आपके पास रहेगा एज इट इज़ प्लस में कॉस टू टी आपके पास रहेगा एज इट इज़ और ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वन आपके पास हो जाएगा जीरो माइनस में कॉस टू टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन तो ये हो जाएगा प्लस का बना देगा इसको. सो ये हो जाएगा आपके पास साइन टू टी इन टू में अगेन टू. ओके, सो देखिए क्या आप कोई सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं क्या यहाँ पे. सो यहाँ पे आपके पास ऑप्टेन होके आने वाला है अब क्या डी एक्स ओवर डी टी जो आपके पास आ जाएगा उसको आप बोल सकते हैं लेट से आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ भी एंड इसके साथ भी. सो आपके पास ऑप्टेन होके आ जाएगा यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ कॉस टू टी एंड देन प्लस में टू टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर टू टी. आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं. मैं यहाँ पे सवाल को थोड़ा छोटा बना रहा हूँ इसलिए सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ. ओके, प्लस में ये हो जाएगा आपके पास दिस इंटू दिस इज़ वॉट माइनस का आएगा यहाँ पे. सो हम यहाँ लगा देंगे माइनस साइन एंड देन दिस विल बिकम टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर टू टी. ओके, एंड सिमिलरली
जो आपके पास डी वाई ओवर डी टी सिंप्लीफाई होके आएगा, उसको आप बोल सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे आपके पास ए भी लगा हुआ था मल्टीप्लाई में, सो उसको आप लोग भूले ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपके पास ए भी था, ओके। एंड जो आपके पास डी वाई ओवर डी टी जो आएगा, वो आपके पास आने वाला है बी टाइम्स ऑफ वॉट, दिस कम्प्लीट थिंग इन टू वन इज़ वॉट, माइनस का टू टाइम्स ऑफ साइन टू टी, एंड दिस कम्प्लीट थिंग इन टू में माइनस का कॉस टू टी इज़ वॉट, हम कह सकते हैं प्लस का टू टाइम्स ऑफ साइन टू टी इन टू कॉस टू टी, ओके। एंड देन प्लस में दिस इन टू कम्प्लीट दिस थिंग इज़ वॉट, टू टाइम्स ऑफ अगेन साइन टू टी इन टू कॉस टू टी। तो देखिए आप लोग, कोई फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है क्या? अगर हम मान लें यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोगों ने ये टू और ये टू को निकाल लिया बाहर, तो यहाँ लग जाएगा आपके पास टू। एक और चीज़ देखिएगा, कॉस स्क्वायर का कोई एंगल है थीटा यहाँ पे, और साइन स्क्वायर का वही एंगल है आपके पास थीटा, तो आप इसको बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो हमारे पास होता है वो होता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, ओके। तो हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं उसको। एंड सिमिलरली ध्यान से देखिए, टू टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला, एंड अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है टू टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हमारे पास अगेन बन जाएगा साइन टू थीटा का फॉर्मूला, ओके। सो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले दोनों चीज़ों को, देखिए आपके पास क्या ऑप्टेन होके आने वाला है। सो आप इसको बोल सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी जो आपके पास आएगा वो हो जाएगा आपके पास, आपने पहले टू बाहर निकाला था यहाँ से, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ ए, एंड देन यहाँ पे आपके पास रहेगा कॉस टू टी एज इट इज़, कॉस स्क्वायर टू टी माइनस साइन स्क्वायर टू टी आपके पास बन जाएगा कॉस फोर टी का फॉर्मूला, बिकॉज आपको एंगल का दोगुना करना है। सो ये हो जाएगा आपके पास प्लस में कॉस फोर टी, ओके। देखिए आपने क्या चीज़ अप्लाई करी यहाँ पे, तो आप इतना हिंट ले सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो आपके पास होता है, एक्चुअल में आपके पास होता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, तो आपने वो चीज़ अप्लाई करी है यहाँ पे। एंड सिमिलरली आप लोग यहाँ लिखने वाले हैं डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू वॉट, एक और चीज़ देखिएगा, चलिए इसमें बाहर मत निकालिए आप लोग, ये रहेगा आपके पास बी एज इट इज़ माइनस में टू टाइम्स ऑफ साइन टू टी आपके पास रहेगा एज इट इज़। एक और चीज़ देखिए, टू टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास बन जाएगा साइन टू थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ पे एंगल है टू टी, तो इसका दोगुना करेंगे तो आप यहाँ बन जाएगा आपके पास फोर टी, प्लस में अगेन यहाँ बन जाएगा आपके पास साइन ऑफ फोर टी, ओके। सो आपने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, यहाँ पे आपने अप्लाई किया है टू टाइम्स ऑफ साइन थीटा इन टू कॉस थीटा जो आपके पास होता है वो होता है आपके पास साइन टू थीटा का फॉर्मूला, ओके। एक और चीज़ देखिए, ये साइन 40 और ये साइन 40 आपस में ऐड हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा कम्प्लीटली टू टाइम्स ऑफ साइन 40, इसको आप लोग काट दीजिए अभी यहाँ से। और एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 आप लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ लग जाएगा आपके पास 2, अगेन इस 2 को आप लोग काट दीजिएगा, ओके। सो आपके पास जो फाइनली डी एक्स ओवर डी टी और जो डी वाई ओवर डी टी ऑप्टेन होके आया है लास्ट में, वो आपके पास आया है कितना, आप बोल सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी जो आपके पास ऑप्टेन होके आया है वो आया है टू टाइम्स ऑफ ए, एंड देन कॉस टू टी प्लस में कॉस 40, ओके। एंड डी वाई ओवर डी टी जो आपके पास ऑप्टेन होके आया है वो आया है टू टाइम्स ऑफ बी, एंड देन यहाँ पे आपके पास आया है माइनस का साइन 2t एंड प्लस में वॉट साइन 40 ओनली, ओके। बाकी सब कुछ आपने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया था, ओके। नाउ आपको पता है कि डी वाई ओवर डी एक्स के लिए आप क्या करेंगे, नाउ डी वाई ओवर डी एक्स के लिए आपको लिखना पड़ेगा डी वाई ओवर डी टी एंड अपॉन में डी एक्स ओवर डी टी। तो आपको पता है डी वाई ओवर डी टी आपके पास आया है ट्वाइस ऑफ बी, एंड देन माइनस में साइन 2t प्लस में साइन 40 एंड डिवाइडेड बाई जो आपके पास डी एक्स ओवर डी टी आया है वो आया है ट्वाइस ऑफ ए, एंड देन कॉस 2t प्लस में कॉस 40, ओके। और यहाँ पे आपके पास कहीं पे एक माइनस साइन भी था क्या? नहीं, माइनस साइन कहीं पे भी नहीं था हमारे पास। ऑल राइट, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 से 2 कट सकता है, ओके। एंड देन वैसे आपको फाइंड करना था डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। डी वाई ओवर डी एक्स की एक्सप्रेशन आप लोगों ने फाइंड कर ली, आप बोल सकते हैं यहाँ पे नाउ डी वाई ओवर डी एक्स एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 का मतलब क्या होगा? ऊपर वाली एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ भी आपके पास टी है वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा क्या? वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा पाई बाई 4। तो ये आपके पास कम्प्लीटली हो जाएगा बी अपॉन में ए, एंड देन माइनस का साइन 2 टाइम्स ऑफ टी का मतलब पाई बाई 4, प्लस में साइन 4 इंटू में टी का मतलब अगेन पाई बाई 4, एंड देन डिवाइडेड बाई कॉस 2 इंटू में टी का मतलब पाई बाई 4,
प्लस में कॉस, फोर इंटू में टी का मतलब अगेन पाई बाई फोर। ओके, सो यहाँ पे जो एंगल्स हैं ये आपस में सिंप्लीफाई हो सकते थोड़े से, तो क्यों ना हम इसको सिंप्लीफाई कर दें। यहाँ हो जाएगा आपके पास पाई बाई टू, यहाँ हो जाएगा आपके पास ओनली पाई, अगेन यहाँ हो जाएगा आपके पास पाई बाई टू, और यहाँ हो जाएगा आपके पास ओनली पाई। ओके, सो आपको पता है कि डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर जो आपके पास ऑप्टेन होकर आने वाली है वो आ जाएगी बी अपॉन में ए, एंड देन इसको आप बोल सकते हैं माइनस का साइन पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू आपके पास होता है वन, तो आप लिख देंगे माइनस साइन, पहले से था यहाँ पे, ये हो जाएगा ओनली वन, प्लस में ये हो जाएगा आपके पास साइन पाई, साइन पाई आपके पास होता है ज़ीरो, डिवाइडेड बाई कॉस पाई बाई टू आपके पास होता है ज़ीरो, एंड प्लस में कॉस जो आपके पास पाई होता है वो होता है माइनस का वन। ओके, सो ये आपके पास हो जाएगा कितना, इसको आप बोल सकते हैं कि जो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स आया है एट द पॉइंट t इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर, वो आपके पास आया है कितना, वो आपके पास आया है b अपॉन में a, ये है आपके पास माइनस वन अपॉन में, ये भी आपके पास है माइनस वन, सो ये हो जाएंगे कैंसिल आउट, आपके पास अल्टीमेटली आ जाएगा b बाई ए। तो आप बोल सकते हैं dy वाई ओवर डी एक्स एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर जो आपके पास आया है वो आया है ओनली b बाई ए। देखिए आपको प्रूफ क्या करना था वैसे, सो आपको प्रूफ करना था, ऊपर देखते हैं हम लोग, आपको प्रूफ करना था डी वाई ओवर डी एक्स एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर जो आया है वो आया है बी बाई ए अगेन। ओके, सो ये आप लोगों ने सक्सेसफुली इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लिया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। एक और चीज़ देखिएगा, मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे डी एक्स ओवर डी टी को निकाला और मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके उसको लिख दिया कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन मैंने डी वाई ओवर डी टी को भी फाइंड किया और मैंने उसको भी सिंप्लीफाई करके लिख दिया ऐसा। ओके, अगर मान लीजिए आप लोग सिंप्लीफिकेशन नहीं भी कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप लोग फर्स्ट फेज में डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू को फाइंड करें जैसे आप लोगों ने यहाँ फाइंड किया है, एंड आप लोग फर्स्ट फेज में ही डी वाई ओवर डी टी को फाइंड कर लें जैसे आप लोगों ने यहाँ किया है, एंड इनकी मदद से आप लोग डी वाई ओवर डी एक्स को फाइंड कर लें और जहाँ जहाँ भी टी है वहाँ पर आप लोग पाई बाई फोर पुट करके देख लें। ओके, ये भी आपके पास तरीका सही माना जाएगा, लेकिन कोशिश करनी है आप लोगों को, कोशिश करनी है आप लोगों की जितना आप लोग सिंप्लीफाई कर सकें उतना आप लोग सिंप्लीफाई करें ताकि बाद में आप लोगों को कम जगहों पे t इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर को पुट करना पड़े। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, आई विल सजेस्ट कि इसको आप लोग एनालाइज करें बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। ओके,